हेलो फ्रेंड्स, मैं इप्सिता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इप्सितास ब्लॉग में। तो आज का वीडियो एक मेकअप का वीडियो होने वाला है जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। इट्स ओके ना, हमारा पैसा तो बच जाएगा ना पार्लर जाने से। ये बात सही है, एकदम परफेक्ट बात बोली है। तो आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड है जिनका मैं मेकअप करके आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे दिख रही है बिफोर मेकअप एंड आफ्टर मेकअप, ठीक है। एंड कैसे एकदम से उनका लुक चेंज होता है करते हैं। एंड एक चीज़ और, मैं आपको मेरी फ्रेंड से मिलाती हूँ। लेट्स सी, देखिए ये है मेरी फ्रेंड रूबी। तो आज मैं इनका मेकअप करके आपको दिखाती हूँ कि इनका मेकअप कैसे होने वाला है। पहले मैं कोई भी मेकअप करना हो तो पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी स्किन कैसी है, उसी हिसाब से आपको मेकअप स्टार्ट करना होता है, ठीक है। जैसे अभी इनका स्किन टोन देखिए, इवन आउट की तरह ही है, मतलब कहीं से थोड़ा फेयर है कहीं से थोड़ा ब्लैक है, तो मैं उस हिसाब से इनका मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप कभी भी मेकअप करो तो आपका नॉर्मल जो स्किन केयर रूटीन होता है तो उसको कभी स्किप मत कीजिए। मतलब आप पहले स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंशियल फेयरनेस की क्रीम, एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर है, लेकिन स्किन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत कम प्राइस में भी आता है, ठीक है। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। अभी मैं यूज़ करूँगी ये प्राइमर जो कि ओरिफ्लेम का है, और ये पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है जिससे आपके पोर्स बंद हो जाएंगे और आपका स्किन एकदम से फ्लॉलेस दिखेगा। और तो पहले मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर। देखिए इसका टेक्सचर ऐसा है, बस थोड़ा सा लेके आपको पूरे फेस पे और नेक पे ही लगाना है। और ये लग गया स्किन पे प्राइमर। अभी मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, ठीक है। कंसीलर लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे जो स्किन पे जैसे स्पॉट्स होता है, आईज़ के नीचे ब्लैक स्पॉट्स होता है, आईज़ के ऊपर यहाँ पे, तो आपके स्किन टोन जब आप फाउंडेशन वगैरह कुछ भी लगाओगे तो आपका स्किन एकदम से इवन दिखेगा। तो चलिए कंसीलर लगाते हैं। और ये भी ओरिफ्लेम का ही है, द वन कंसीलर। यहाँ पे इनका मैंने लगा लिया कंसीलर आईज़ के नीचे, नोज़ के दोनों साइड एंड यहाँ पे चिक्स के नीचे और थोड़ा यहाँ पे। और जैसे इनका स्किन इवन आउट था तो यहाँ पे इनका ब्लैक पिगमेंटेशन था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा लगाया है। मैं यूज़ करूँगी ये जोदानी गोल्ड की सीसी क्रीम ओरिफ्लेम से। ये एक इल्यूमिनेटिंग सीसी क्रीम है जिसमें SPF 35 भी है, तो आपको अलग से SPF लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अच्छा सा ग्लो देता है फेस पे और मीडियम कवरेज देता है। तो इसके साथ मैं मिक्स करूँगी ये पीच ग्लो परफेक्टर, वो भी ओरिफ्लेम से ही है। ये आप डायरेक्टली अपने स्किन पे लगा सकते हो, नहीं तो आप अपने फाउंडेशन सीसी क्रीम किसी में भी मिला के इसको लगा सकते हो। इससे क्या होता है ना, एक अच्छा सा ग्लो आता है फेस में। मतलब सीसी क्रीम से तो ग्लो आता ही है, जैसे फाउंडेशन वगैरह लगाओगे तो आपका मैट फिनिश हो जाएगा। और एक सिमर सा शाइनिंग चाहिए आपके फेस पे तो आप ये यूज़ करो, ये बहुत ही अच्छा ग्लो देगा आपके फेस पे। ये रहा सीसी क्रीम, मुझे उनके फेस और नेक दोनों के लिए इतना ही मैंने लिया है। इसमें थोड़ा सा मैं ये मिलाती हूँ, बस एक ड्रॉप। दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही लेके आप अपने चेहरे पे अच्छे से स्प्रेड करो। आप अगर ज़्यादा निकाल लोगे तो एकदम भूत के जैसे दिखोगे, पहले से बता रही हूँ आपको। अच्छी तरह से ये बस थोड़ा थोड़ा ही लेके अच्छे से स्किन पे ब्लेंड करना है। मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये है मेरा जोदानी गोल्ड का ब्रश जो कि फाउंडेशन ब्रश है, आप इससे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। एंड ब्रश से कभी भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हो, कुछ भी क्रीम यूज़ करते हो ना, तो आपको ऐसे ऐसे घिसना नहीं होता है, ओनली डब डब करके ही इसको ब्लेंड करना होता है। आप ऐसे 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 करोगे तो वो अच्छे से ब्लेंड होगा, आपको ऐसे ऐसे एकदम से ऐसे ऐसे घिसना नहीं होता है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये ऑन कलर का फेस पाउडर, ये भी ओरिफ्लेम से ही है। मैं जो भी प्रोडक्ट आज यूज़ करके आपको दिखाऊंगी सारा प्रोडक्ट ओरिफ्लेम का ही है। तो ये देखिए ये रहा फेस पाउडर,
इसके साथ आपको मिरर भी मिलेगा एंड इसका टेक्सचर लाइट है। इसमें दो सेड आता है, एक नेचुरल और एक लाइट, आप अपने स्किन के हिसाब से वो ले सकते हो। इसको आपको ऐसे घिस के पूरा एकदम से ज़्यादा नहीं लेना है, जैसे ऐसे ऐसे प्रेस करो तो आराम से लगेगा आपका। अभी मैं यूज़ करूँगी ये टेंडर कैप, ये भी ओरिफ्लेम से है और ये एक मल्टीपर्पज़ बाम है। आप इसको लिप बम की तरह यूज़ कर सकते हो, जैसे किसी किसी का आईज़ ब्लैक होता है, एल्बो भी ब्लैक होता है, तो आप वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। ठीक है, देखिए बस इसको थोड़ा सा लो। पहले हम इसका लिप मॉइस्चराइजर करके छोड़ देते हैं, फिर आई मेकअप करेंगे। अब करते हैं इनका आई मेकअप और इसके लिए मैंने लिया है ये ऑन कलर का आई पैलेट। इसमें आपको आई शैडो, आईब्रोज बनाने के लिए और हाईलाइट करने के लिए भी इसके अंदर सब कुछ है। मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर इतने सारे सेट्स मिल जाएंगे आपको। दो तरह के आते हैं आई पैलेट, एक तो ये वाला है और एक दूसरे कलर्स में भी आता है, तो आप दोनों को चेक कर लीजिए, आपको जो कलर चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हो। तो पहले चलिए इनका आईब्रोज बनाते हैं। आईब्रोज के लिए मैंने ये आईब्रो ब्रश भी लिया है, ये भी ओरिफ्लेम का ही है, तो चलिए इससे आईब्रो बनाते हैं। आईब्रो के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक है, ब्राउन है, तो मैं इनका ब्राउन से ही बनाऊँगी। इसी पैलेट से ही बना के आपको दिखाऊंगी और उसके लिए भी मैंने ये आई शेडो ब्रश भी लिया है, ये भी ओरिफ्लेम का ही है। पहले कभी भी आप आई शेडो यूज़ करो तो पहले आईज़ पे प्राइमर, कंसीलर ये सब लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारी आप कभी भी कोई वॉल पे अगर कोई पेंट करते हो तो विदाउट प्राइमर, विदाउट ये सब के आप अगर यूज़ करोगे तो कैसा दिखेगा, एकदम से अच्छे से फैलेगा भी नहीं ना। ये बात सही है। तो पहले स्किन को अच्छे से स्मूथ करना है, उसके बाद अगर आप आईलाइनर वगैरह कुछ भी लाइन खींचोगे ना तो आराम से स्मूथली हो जाएगा। नहीं तो कोई कोई लोग बोलते हैं अरे मुझे पता आईलाइनर सूट ही नहीं करता, मेरे से लगता ही नहीं है, है ना। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कोई तो, लेकिन मैं भी बोलती हूँ ये बात। हाँ, वो लगाना भी आना चाहिए कि कैसे क्या करने से हम लोग आईलाइनर अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि सबको लगाना अच्छा लगता है लेकिन आता नहीं है, मतलब पता नहीं है कि कैसे लगाए। ठीक है, तो आज आप एक काम करो, पहले आईज़ के ऊपर मैंने यहाँ पे इनका प्राइमर कंसीलर लगा लिया है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया, उसके बाद आप अपने फेस पाउडर ले लो, ठीक है, हल्के से हाथ में ऐसे ऐसे ले लो, फिर अपना बेस बनाओ, इसको अच्छे से इसका बेस बनाओ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लूज पाउडर यूज करोगे जैसे नॉर्मल पाउडर तो वो वाइट वाइट दिखेगा स्किन के, इसमें नहीं एकदम से भी नहीं दिखेगा, ये कलर अलग हो जाएगा, ये कलर अलग हो जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ पे कम्पैक्ट यूज करना है। तो जैसे इनको एकदम से लाइट मेकअप चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये वाला सेड यूज करूँगी, ये वाला सेड, हल्का सा आई शैडो देने के लिए यहाँ पे। अब इसको हाईलाइट करूंगी मैं इस वाले शेड से। अभी मैं यूज़ करूँगी आईलाइनर, ये भी ओरिफ्लेम का ही है, डव वन का। एक जेल लाइनर है, पेन लाइनर, आप इसको डायरेक्टली पेन की तरह यूज़ कर सकते हो। देखिए ये इसका टेक्सचर ऐसा आएगा और ये वाटरप्रूफ भी है, स्मज प्रूफ भी है, तो ये बहुत अच्छा होता है। और एक भी लाइनर है, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये भी एक लाइनर है, ये भी ओरिफ्लेम का है, ऑन कलर का, ये लिक्विड लाइनर है,
करते हैं। ये लिक्विड लाइनर है और इसका टेक्सचर कैसा है, लेकिन एक चीज़ है, दोनों लाइनर बहुत अच्छे हैं लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो आपका ये पानी से मिट जाएगा। ठीक है, ये वाला वाटरप्रूफ है और ये वाला वाटरप्रूफ नहीं है, तो आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद हो उसी हिसाब से लीजिए। तो मैं अभी इनके ऊपर ये वाला आईलाइनर यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम यूज़ करेंगे ये काजल, ये भी ओरिफ्लेम से है। इसमें आपको बहुत सारे सेट्स मिल जाएंगे। ये डवन के काजल हैं जो कि दिखाती हूँ आपको, ये ब्लू सेट में है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा आपको जो पसंद है। बहुत सारे कलर ऑप्शन है इसमें। ये ऑन कलर की काजल है, ये भी ओरिफ्लेम से ही है। आपको अगर कोल आई पसंद हो या फिर स्मोकी आईज बनाना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको आप एज आईलाइनर एंड काजल बोथ यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इनके लिए ये वाला काजल यूज़ करती हूँ, आपको दिखाऊंगी। ये भी बहुत अच्छा काजल है, एकदम से डार्क ब्लैक है और एक ही लाइन में आपका लग जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको घिसना पड़ेगा बार बार। तो अभी मैं यूज़ करूँगी मस्कारा, ये भी ऑन कलर का है, ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। बहुत सारे मस्कारा है ओरिफ्लेम में, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं यही वाला यूज़ करके आपको दिखाऊँगी। तो अभी मैं यूज़ करूँगी ये लिपस्टिक, ऑन कलर का लिपस्टिक है, बहुत ही क्यूट है। इसमें भी बहुत सारे सेट्स अवेलेबल हैं और ओरिफ्लेम का ही है। ओरिफ्लेम में बहुत सारे लिपस्टिक्स हैं, आप अपने हिसाब से जो चाहिए आपको ले लो, लेकिन आपको कम प्राइस में चाहिए, रिजनेबल प्राइस में चाहिए तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और इसका सेट है क्रैनबेरी रेड, ऐसा आएगा इसको। तो अभी मैं ये सेट यूज़ कर, अब मैं यूज़ करूँगी ब्रॉन्जिंग पर्ल्स, ये ओरिफ्लेम से ही है। इसको आप एज ए ब्लश यूज़ कर सकते हो, हाईलाइट के लिए यूज़ कर सकते हो, आई शेडोज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये ऐसे आया, इसमें आपको दो सेट्स मिल जाएंगे, तो मेरा वाला सेट तो ये है और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये ब्रश। इसको जैसे ऐसे ऐसे घुमाना है आपको, फिर इसको इससे आप अपने नोज को भी हाईलाइट कर सकते हो। आप ऐसे हाथ में एक का इसका एक मोती ले लो, फिर इसको ऐसे ऊपर इससे सीधे अपने नोज की तरफ ऐसे कर लो, चाहे तो आप इसको हाथ से ब्लेंड कर लो या फिर ब्रश से इसको ब्लेंड कर लो। तो देखिए मैंने नोज़ पे हाईलाइट दिया है इनका और यहाँ पे भी दिया है, तो आप देखिए कैसे दिख रही है। मैं तो अच्छी दिख रही, आप अच्छी दिख रहे हो। अभी इनका मैंने मेकअप हो गया है। और एक चीज़ एकदम लास्ट, ये है मेकअप प्रो मिस्ट, जो कि आपके मेकअप को एकदम से फिक्स करके रखेगा। इसको आपको एकदम लास्ट में यूज़ करना है, ये भी ओरिफ्लेम से है। इसको यूज़ करने से आपका मेकअप फैलेगा नहीं और 24 आवर्स तक जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अभी ये यूज़ करते हैं, पहले इसको थोड़ा सेट कर लीजिए और एकदम थोड़ा डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि एकदम से पास में लेकर करना है, थोड़ा डिस्टेंस है इसको। ऐसे स्प्रे कर दो, ठीक है, फिर आपका मेकअप एकदम फुल डे के लिए क्या होगा, फिक्स होके रह जाएगा, फुल डे के लिए फिक्स हो जाएगा। 24 आवर्स फ्रेश दिखूंगी, यस 24 आवर्स ये फ्रेश दिखने वाली है। ये मेरी फ्रेंड है,
जिसने मुझे मेरा मेकअप किया है, यही है मेरी फ्रेंड। बहुत अच्छे से किया है इसने मेरा मेकअप। थैंक यू। एंड एक बात आपको बता दूँ, मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, जो भी सीखा है मैंने ओरिफ्लेम से ही सीखा है और ख़ुद के ऊपर पहले ट्राई किया कैसा लग रहा है, कैसे दिख रही हूँ। तो आप लोग भी देख रहे हो कैसा दिख रहा है। इसके लिए आपको कोई पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पर बैठे बैठे ही एक पार्टी मेकअप आराम से क्रिएट कर सकते हो। तो आप एक एक प्रोडक्ट मेकअप का लेके रखो, सिंपल सिंपल प्रोडक्ट जिसको आप यूज़ करो, फिर खुद का लुक भी चेंज करो और अपने दोस्तों को और अपने पार्लर के पैसे भी बचाओ। हाँ, पार्लर के पैसे भी बचाओ और सबको सरप्राइज भी दे दो कि आप कितने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हो। ठीक है, थैंक्स। मेरी फ्रेंड को मैं थैंक्स बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा मेरा मेकअप किया है। थैंक यू। चलो बाय बाय। बाय। तो आप लोगों ने देखा इनका वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल में अगर आप नए हो। एंड आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट लेना है इसमें से या फिर ओरिफ्लेम का कुछ भी प्रोडक्ट लेना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर जाकर क्लिक करके आप ले सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।